पौड़ी में नगर पालिका ने सरकारी बजट का दुरुपयोग करने के लिए व्यू पॉइंट को तोड़वा डाला, जो कि बेहतर हालत में था। इस व्यू पॉइंट को तोड़वा कर फिर से व्यू पॉइंट का निर्माण करवाया जा रहा है, जैसे सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। स्थानीय जनता ने नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाए। स्थानीय जनता ने बताया कि जहाँ स्थानीय जनता और पर्यटक सुकून के पल बिताते थे, वही नगर पालिका के अधिशासी अभियंता की माने तो उनको इसकी भनक तक नहीं लगी और मामला अब उनके संज्ञान में आया है। वहीं जिलाधिकारी ने भी इस प्रकरण में अधिशासी अभियंता से रिपोर्ट मांगी है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो प्रांतीय खंड की सड़क पर नगर पालिका के द्वारा ऐसा किसी भी निर्माण कार्य किया नहीं जा सकता है, लेकिन शहर हित में लोगों के लिए अगर व्यू पॉइंट बनाया भी गया तो ये सराहनीय था। लेकिन जिस तरह से व्यू पॉइंट, जो कि एक अच्छी खासी स्थिति में था, लोग उसका आनंद ले रहे थे, उसको तोड़ने के बाद दूसरा व्यू पॉइंट वहाँ पर बनाया जा रहा है, और जो व्यू पॉइंट है उस पर जनता के पैसे की बर्बादी साफ तौर पर देखी जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये नगर पालिका अध्यक्ष की जो मनमानी है उससे पूरा शहर परेशान है। और साथ ही इसके बारे में अभी सुबह ही मुझे जानकारी मिली है और मेरे द्वारा जो संबंधित अधिकारी है उनसे इसमें रिपोर्ट तलब की गई है, और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी इसके बाद, क्या वहाँ पे कार्य चल रहा है, पहले क्या कार्य हुआ है, कितनी उसकी लागत थी और अब क्या कार्य चल रहा है, इस प्रकार पूरी विस्तृत जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। इस प्रकरण में जो अभी वीडियो मेरे संज्ञान में लाया गया है, इस क्रम में ईओ नगर पालिका से पूरे प्रकरण पर एक स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी, और यदि कोई अनियमितता की संभावना है तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।